सो ये गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सुनिए बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो है आज हम एक और बैनर डिजाइन करने वाले हैं, बट आज की वीडियो थोड़ी सी और अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज आज सारा का सारा पूरा बैनर हम डिजाइन नहीं करने वाले हैं, हम एक टेम्पलेट का यूज करेंगे, ठीक है। और टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है सेफली, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको हो सकता है आपके साथ में वायरस आए, तो आपको सेफली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कौन सा रिसोर्स है जहाँ से आप सेफली डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आज की वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपन क्रोम और यहाँ जाके लिखना है आपको design.tgminfotech.com, राइट। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री के एसेट्स अभी मिल सकते हैं, बिकॉज ये जस्ट अभी बहुत लेटेस्ट लॉन्च हुई है, तो अभी एक महीने के लिए फ्री एसेट्स दे रहे हैं, तो आपको जितना है जितने एसेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो करके रख लो, और अभी फ्री चल रहा है, काफ़ी अमेजिंग एसेट्स आपको यहाँ पे पहले से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो अपन पहले थोड़ा सा इसको डार्क मोड में ले चलते हैं। ओके अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ पर पहले तो सबसे पहले ना ये कैटेगरीज हैं, और जो आपको लेट्स से आपको एक कोड बना रहे हो तो कोड के आप कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, शू बैनर बना रहे हो शू बैनर की कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, क्लिक करो डायरेक्ट उस पर, तो आप जो है सीधा यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ ऊपर ही आपको पता चल जाएगा कैटेगरी कौन सी आपने अभी सेलेक्ट की है और उसमें कितनी आइटम्स है, ठीक है। अब लाइक होली में जाना है, होली पे क्लिक करो तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ नीचे जाओगे तो ये सारी की सारी आइटम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और जो आप अच्छा डाउनलोड करना चाह रहे हो कि ठीक है ये अच्छा लग रहा है मुझे बैनर, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन एक पहले फाइंड करते काफ़ी अमेजिंग सा एक बैनर जो कि शायद एडवर्टाइजमेंट में मिल जाए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अच्छे बैनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास है जितने कैटेगरीज है सब के अंदर काफ़ी अच्छा अमेजिंग स्टफ आपको मिल जाएगा, आप एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके लेट्स से मुझे ये वाला बैनर अच्छा लग गया, मैंने क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आने और ये सारी की सारी PSD मिल जाएगी, या फिर अगर इलस्ट्रेशन है तो आपको जो इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटर की जो फाइल्स होती है वो मिल जाएंगी आपको यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सीधा डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर आपको बस अब क्लिक करना है डाउनलोड पे। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है आपकी जिप फाइल आपको मिल जाएगी, तो यहीं से आप जो है इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट कीजिए, और आपके पास है PSD JPG दोनों फाइल्स मिल जाएंगी। ये देखो ये आ गई आपकी JPG और ये आ गई आपकी PSD, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये देख लो PSD फाइल है, और बिल्कुल आपको इसमें कोई भी वायरस देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल बहुत क्लीन आपको मिल जाएगी, और एडिटेबल है, आप जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें एडिटेबल हैं, तो आप कुछ भी एडिट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और सबसे फास्ट तरीका है अगर आपके पास में क्लाइंट बैठा है और क्लाइंट को फटाफट से इमरजेंसी है कुछ जल्दी बनाना है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के फटाफट से जो टेम्पलेट अच्छी लग रही डाउनलोड करो क्लाइंट के सामने ही और फटाफट से बना दो, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है, जस्ट डबल क्लिक करो और जो भी कंटेंट डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेट्स से अभी के लिए अपन जस्ट कुछ भी डाल देते हैं। चलो दिस इज अ टेम्पलेट विच वी हैड एडिटेड, ठीक है। ऐसे कुछ करके आप जो भी डालना चाहो आपका कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। सारी की सारी लेयर्स आपको यहाँ पे एडिटेबल मिल जाएंगी, लाइक कलेक्शन नहीं लिखना मुझे, लेट्स से वॉच नहीं डालना, कुछ और डालना चाहो आप वो डाल सकते हो, कलर थीम चेंज करनी आप सीधा, ये देखो सब कुछ बना बनाया स्ट्रक्चर्ड में है। अब लेट्स से देखो बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड वाला फोल्डर है यहाँ जाओ, और यहाँ जाके आप जैसा चेंज करना चाह रहे हो, लेट्स से ग्रेडियंट ओवरले है तो ग्रेडियंट ओवरले चेंज कर सकते हो यहीं से, ठीक है। तो कलर्स अगर अपन चेंज करना चाहें लेट्स से थोड़ा सा रेडिश में अपन ले जाना चाहें लेके जा सकते हो लाइक दिस, तो आप ऐसे पूरी थीम चेंज कर सकते हो जैसा आप करना, पूरी की पूरी फाइल आपको यहाँ पे एडिटेबल देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आप जैसा एडिट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, अब लेट्स से मेरे को ये वाली हटाना है तो आप यहाँ डायरेक्ट करके यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो हमारे पास में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है, तो बेसिकली ये हमारे पास में तब आता है अगर हमारे पास में जो फॉन्ट इसमें यूज हुआ है ना, अभी ये देखो ये जो फॉन्ट यूज हुआ है हो सकता है ये मेरे फॉन्ट के अंदर ना हो, मेरे पास जो फॉन्ट्स हैं जो मेरे इसमें PC में इंस्टॉल्ड है
उन फॉन्ट्स के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि तो जैसे डबल क्लिक करोगे यहाँ लिख के आ जाएगा दीज फॉन्ट्स आर मिसिंग इन दिस लेयर टेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो अगर आप रिप्लेस करना चाहो रिप्लेस कर दो, ठीक है, बस आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा आपको मतलब फॉन्ट अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, जैसे मॉन्ट से सेलेक्ट करना है मुझे या मॉन्ट कार्लो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, और एक महीने तक फ्री है, तो आप जितना डाउनलोड करना चाहो आप यहाँ पे फ्री एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।